तुर्की ने कहा है कि क्रीट आइलैंड से उड़कर ग्रीस के 6 F-16 लड़ाकू विमानों ने तुर्की की ड्रिलिंग साइट पर घुसने की कोशिश की, जिन्हें तुर्की के F-16 लड़ाकू विमानों ने रोक दिया। तुर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी करते हुए ये कहा है कि इस वीडियो में ग्रीस के लड़ाकू विमान तुर्की की ड्रिलिंग साइट पे आते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं ग्रीस की मीडिया ने तुर्की पे ये आरोप लगाया है कि ग्रीस के F-16 विमान जो क्रीट पर वापस लौट रहे थे, उनका रास्ता तुर्की के F-16 विमानों ने रोक दिया था। तुर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के मेंबर हैं, लेकिन हाल ही में मिलने वाले ऑयल और गैस की खोज की वजह से दोनों ही मुल्कों के बीच में बहुत ज्यादा तनाव है। इन ऑयल एंड गैस के ऊपर होने वाले हक को लेकर तुर्की और ग्रीस आमने सामने हमेशा से रहे हैं, लेकिन अभी ग्रीस तुर्की पर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि इन सारे गैस और ऑयल के भंडारों पे उसका हक है। इसमें फ्रांस ग्रीस के साथ खड़ा है। यूरोपियन यूनियन ने तुर्की को धमकी देते हुए ये कहा है कि अगर तुर्की साइप्रस और मशरकी समंदर में होने वाले तनाव को कम करने की कोशिश नहीं करता तो उसका असर ये होगा कि यूरोपियन यूनियन तुर्की से होने वाले ट्रेड को रोक देगा। पिछले हफ्ते यूरोपियन यूनियन के मिनिस्टर्स की मीटिंग जो बर्लिन में हो चुकी है, उसमें ये तय किया गया कि अगर तुर्की अपने ड्रिलिंग मिशन को नहीं रोकता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगेंगे, जिसकी गुजारिश साइप्रस ने की थी, और इस गुजारिश पर बाकी यूरोपियन मेंबर्स ने हामी भर दी है। मशरकी समंदर में तुर्की के आगे बढ़ते हुए जहाज को लेकर फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि तुर्की अपने आप पर कार्रवाई चाहता है और वो बातचीत का रास्ता नहीं समझता। फ्रांस भी नेटो का सदस्य है। हाल ही में होने वाली नेटो और लीबिया में तुर्की की इन्वॉल्वमेंट को लेकर और हाल ही में मिले गैस और ऑयल को लेकर फ्रांस ने पहले ही अपनी नाराजगी जता दी है। इमैनुएल मैक्रोन ने कहा है कि साइप्रस के पास मिलने वाले ऑयल और गैस के भंडारों को लेकर जो तनातनी चल रही है, उस पर यूरोपियन यूनियन को ग्रीस और साइप्रस का साथ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि यूरोपियन यूनियन को इस मामले को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुर्की के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन से कहा है कि अगर वो तुर्की को सिर्फ चेतावनी देगा लेकिन अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसी साल जून में लीबिया को हथियार भेजने को लेकर फ्रांस ने तुर्की के जहाज की तलाशी लेने की कोशिश की थी, और तभी से फ्रांस और तुर्की के ताल्लुकात ठीक नहीं। मैक्रो का कहना है कि तुर्की अपनी हरकतों से यूरोपियन यूनियन को उकसा रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम हमारे यूरोपियन यूनियन के कोई मुल्क की हिफाजत या मदद नहीं कर सकते तो हमारा यूनियन में होने का कोई मतलब नहीं बनता। फ्रांस के इतने भड़काऊ बातों के बाद भी जर्मनी ने यही कहा है कि तुर्की और ग्रीस को बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। इन सभी बातों के जवाब में तुर्की के विदेश मंत्रालय से हामी अक्से ने कहा है कि तुर्की बातचीत से हल निकालने के लिए तैयार है, और उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की किसी की भी धमकियों को आसानी में नहीं लेगा बल्कि इससे तुर्की और उसके लोगों का इरादा और मजबूत हो जाएगा। और वहीं दूसरी ओर तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान ने नेटो के प्रमुख जेम्स स्टॉल्टन से फोन पर बात की। उन्होंने कहा नेटो को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और जो देश इंटरनेशनल कानून की इज्जत नहीं कर रहा और सारी परेशानियों का सबब है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।